लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए, जो आप बोल रहे हो ना कि आप जो बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में करना ही क्यों चाहिए, अगर हम स्टॉक्स डायरेक्टली बाय कर सकते तो म्यूचुअल फंड की जरूरत ही क्या है। तो म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट्स है कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि 500 रुपीज या 1000 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 5000 रुपये लेके आप 10 स्टॉक 15 स्टॉक 20 स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 5000 रुपीज से आप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप महीने का 5000 रुपीज का 1000 की अगर SIP बनाते हो तो यू कैन मेक अप, मतलब अलग अलग तरह के ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडियन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल एलोकेशन। तो वो यहाँ पे पॉसिबल है विद अ स्मॉलर अमाउंट, यू कैन हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दूसरा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी जो फंड मैनेजर होता है टिपिकली ही इज लाइक हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ही इज IIT IIM पास आउट होते हैं, उसके बाद उन्होंने CFA क्वालिफाई किया होता है, या फिर वो CA रैंक होल्डर होता है, फिर उसके बाद वो CFA क्वालिफाई करते हैं। उसके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए एनालिस्ट की टीम होती है जो सेक्टर स्पेसिफिक उनको नॉलेज होता है या सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं, वो फंड मैनेजर को इनपुट देते थे इनके साथ, और इनको गाइड करने के लिए एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है जिसको 20-25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो एक बड़ी सी टीम होती है जिसको आप हायर करते हो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे के टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, वो 5000 रुपीज हो या 5 लाख हो या 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, वो सबको एक जैसी गाइडेंस देते हैं। तो वो एक्सपर्टीज आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलती है। आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप मिड एंड स्मॉल कैप वाले फंड एग्रेसिव फंड में जाना चाहो तो उस तरह के फंड है आपको, आपको अगर कॉन्जर्वेटिव फंड में जाना है जहाँ पे आपको 6 महीने के लिए पार्क करना है पैसा, 1 साल के लिए पार्क करना है, उस तरह के फंड में आप डाल सकते हो। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस आया है, यू वांट टू स्टार्ट कि आप उनको उसमें से इनकम आया आपको, तो उस तरह के फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके उससे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन है। ग्लोबल फंड्स, आप इंडिया बैठ के ग्लोबल मार्केट्स के बारे में इतना अपने की जानकारी नहीं होती है और इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं है, तो यहाँ बैठ के आप ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ब्राजील वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो, US में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। बहुत वैरायटी है प्रोडक्ट्स की म्यूचुअल फंड में, जिस तरह के चाहिए वहाँ पे आप, आपके जो सूटेबल आपके लिए प्रोडक्ट होगा उस तरह का आप प्रोडक्ट ले सकते हो। डिसिप्लिन होती है इन्वेस्टमेंट की। कई बार कैसा होता है कि मार्केट जब तक तेजी में होता है तो हम एंथुजियास्टिक होते हैं इन्वेस्ट करते, और जब थोड़ी मंदी आती है होता है तो हमारा एंथुजियाज्म कम हो जाता है। यहाँ पे कैसा, आप अगर SIP के डिसिप्लिन रखते हो तो हर महीने में आपका सर्टन अमाउंट इज गोइंग टू गेट इन्वेस्टेड और वो पैसा मार्केट में लगता रहेगा। तो जैसे नीचे के लेवल पे बाइंग होगी तो जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो यू विल बी लाइक यू विल गेट बेनिफिट ऑफ व्हाट एवर यू गुड डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजन दैट यू मेड व्हेन द मार्केट वाज डाउन। तो वो डिसिप्लिन एक तरह से यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। हर महीने में आप अगर अकाउंट में पैसा रखोगे तो वैसे खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा अगर SIP आप स्टार्ट कर दोगे तो एक कंपलसरी डिसिप्लिन होते जाएगी आपकी की हर महीने में एक सर्टन अमाउंट गेट्स इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो उस तरह का एक डिसिप्लिन वहां पे बन सकता है। वोलेटिलिटी इसमें बहुत कम होती है कंपेयर टू स्टॉक्स। स्टॉक्स में अगर एक दिन में 10-20% का मूवमेंट ऊपर नीचे बहुत आराम से हो जाता है, ऊपर मूवमेंट होगा तो सबको पसंद है, लेकिन नीचे जब 10-20% जाता है या एक हफ्ते में ना 40% आता है या एक महीने में 50% आधा हो जाता है, दो महीने में आधा हो जाता है, तो देन दैट उस तरह की वोलेटिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में नहीं दिखेगी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दे बाय बंच ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें भी अभी देखो आप पीक से बॉटम मार्केट की ड्रॉडाउन कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 17% डाउन है। आप अगर स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड उठा के देखोगे तो 9-10% 11% के आसपास की ड्रॉडाउन होगी उसकी, उससे ज्यादा की ड्रॉडाउन है नहीं। तो वो उसकी वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली कम होती है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो बंच ऑफ स्टॉक्स बाय करते, एक स्टॉक बाय नहीं करते। तो वोलेटिलिटी जिसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है उसके लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा रिटर्न ऑन एफर्ट। देखिए जो ऐसा बोलते हैं कि प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द अमाउंट ऑफ टाइम वी एक्सचेंज फॉर इट, आपको बैठे बैठे म्यूचुअल फंड में 12-18% का एनुअलाइज रिटर्न बन रहा है 10-20 साल में, कुछ भी ना करके, कुछ भी आपको सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है उसको, उतना भी करेंगे तो भी आपको 12-18% बिना किसी एफर्ट के आपने मिलने वाला। तो वो रिटर्न ऑन एफर्ट यहाँ पे बिना कुछ किए अगर इतना मिल रहा है तो बाकी फिर कितना आप करके कितना एडिशनल बना सकते हो वो भी बात हो जाती है। अगर बिना कुछ किए इफ यू कैन मेक लाइक 12-18% तो इंडिविजुअल एफर्ट पे आप कितना ज्यादा बना सकते हो वो वाली बात होती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एफर्ट इज वेरी गुड, मतलब बिना कुछ किए यू कैन मेक गुड डिसेंट रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाट।
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.